सलूम्बर फिला धूनी पर महंत सहित तीन भक्तों पर बदमाशों ने की मारपीट, चांदी का कड़ा और नकदी लूटी। ग्रामीणों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। केस हुआ दर्ज। कुराबड़ थाना क्षेत्र में विश्राम कर रहे धूनी पर महंत और तीन अन्य लोगों के साथ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार फिला गांव से थोड़ी दूर पर स्थित दूतली धूनी पर सत्संग कार्यक्रम के बाद महंत संतोष दास 70 वर्ष और गांव के शंकरलाल दर्जी कालूलाल वेलाराम सहित 5 जने विश्राम कर रहे थे, तभी वहां आए अज्ञात बदमाशों ने महंत के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान बचाव के लिए आए लोगों पर भी बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में सभी घायल हो गए। महंत को गंभीर चोट आने से वह बेसुध हो गए। इस पर महंत से चांदी का कड़ा और चांदी का लोटा सहित करीब 12,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। घायलों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी अमित कुमार मय जाप्ता घटनास्थल पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज सहित कई जगह पूछताछ करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी।